हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में हेलो बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए आवाज़ आ रही है आप तक प्रॉपर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है आप प्रॉपर आप तक ओके okay. ओके okay, okay. आ रही है ओके okay. तो बच्चे जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा कि थंबनेल पे आ, कि आंसर की आपकी एस एस सी जेई की आउट हो चुकी है ठीक है जिसमें से कि जो 16 नवंबर को आपको पेपर हुआ था एस एस का मैकेनिकल वाला उसका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है बच्चे वो हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं ठीक है तो नॉन टेक में कौन से को, अगर कोई क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट है ठीक है किस तरीके से हमने पढ़ा था और किस तरीके से पेपर आया हुआ है वो सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो नॉन टेक में देखिए ये बच्चे आपका सोलह तारीख का पेपर है ठीक है सोलह तारीख का पेपर है मैं नहीं दिखूंगी सिर्फ आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेंगे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि नोबल गेसेज निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है देखिए अब आप लोगों को बच्चे पी वाई क्यू अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है हमारे साथ में एस एस सी जेई के पिछले साल के जो पेपर हैं वो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन ठीक है नोबल गेसेस आपको पूछा है कि कौन से ग्रुप से है कौन से ग्रुप में आता है तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन कहेंगे हम इसे ठीक है इजी लेवल का क्वेश्चन था इसका आपका कौन सा आंसर है बच्चे ये आपका है अट्ठारहवा ठीक है कौन सा है यहाँ पे देखिए ये आपका एटीनथ ग्रुप एटीन ग्रुप का जो है एटीन जो समूह है जो समूह है वो आपका नोबल गेसिस कहलाता है ठीक है बहुत इजी ये क्वेश्चन कहेंगे इसे केमिस्ट्री का है उसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के आधार पर पुरुष प्रवास के कारणों और उनके प्रतिशत का हवाला देते हुए सही विकल्प का चयन करें अब देखिए बच्चे ये क्वेश्चन भले ही ट्रिकी रहा हो लेकिन इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे कि थोड़ा सा आपको देखना था कि इसमें ऑप्शन में क्या खेल किया गया है यहाँ पे देखिए भले ही क्वेश्चन जो है ये आ, बिल्कुल वो है कि आपका टफ है मतलब कॉन्सेप्ट अगर किसी को पता है तो वो इसे कर सकता है लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे अगर आपको पता है देखिए यहाँ पे बहुत जनरल सी बात है कि आप लोग अगर अपनी सोसाइटी को जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो पुरुष होते हैं अधिकतर पुरुष जो है एम्प्लॉयमेंट की वजह से मतलब कि रोजगार की खोज में अपने जगह से जो उनका मूल स्थान होता है वहां से अधिकतर वो माइग्रेट कर जाते हैं माइग्रेशन उनके उनका देखा जाता है पुरुषों का माइग्रेशन देखा जाता है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की वजह से ठीक है रोजगार की वजह से तो यहाँ पे देखिए 24% था 34 था अब जब भी बच्चे आप अगर कभी भी एग्जाम देने जाएं अगर तीन आपके ऑप्शन एक जैसे हो और उनमें से कोई एक अगर अलग हो ठीक है कोई एक अगर अलग हो तो उसमें आपको हमेशा यह देखना है कि इसके गलत होने की चांसेस 99% होते हैं ठीक है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और उसमें अगर एक आपको ऑर्डर दिया हुआ है तो इसका गलत होना क्या होता है 99% चांसेस होते हैं कि ये आपका गलत होगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए 34 ये आपका ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है ठीक है अब इसमें देखिए 2% 2% टू आप एजुकेशन और मैरिज के बीच में बहुत बच्चे कन्फ्यूज हुए हो होंगे कि एजुकेशन और मैरिज जो है आपका किसका ज्यादा हो सकता है तो यहाँ पे देखिए बच्चे ज्यादा आपका मैरिज का ही है ठीक है लेकिन एजुकेशन में देखिए ट्वेल्व परसेंट ये ऑर्ड हो गया और मैरिज में है आपका फोर्टीन परसेंट ये आपका ऑर्ड हो गया ठीक है तो यहां से ये जो पहला दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका है ऑटोमेटिकली क्रॉस हो रहे हैं ठीक है हम अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें और इसमें फिर आपका बच रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन टू परसेंट मैरिज आपका फोर परसेंट और वर्क एम्प्लॉयमेंट आपका ट्वेंटी फोर परसेंट ठीक है तो यहाँ से क्वेश्चन और इसका आंसर भी यही है ये यह आपका सही आंसर है अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही आंसर है ठीक है तो ये भले ही आपका कॉन्सेप्चुअल था लेकिन बच्चे जो इसके ऑप्शन दे हुए हैं ना उसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो ये हो जाता उसके बाद है आपका इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अब देखिए बच्चे आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई वस्तु जो है उसकी स्पीड है तो वो पूछा गया है कि उसकी औसत गति कितनी होगी एवरेज स्पीड कितनी होगी उसकी तो ये आपका जो है यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई चीज़ बचिए अगर गति कर रही है स्पीड कर रही है तो इसमें जो है इसका उतनी ही रहेगी उसकी जो एवरेज स्पीड है उसकी जो औसत गति है वो उतनी ही रहेगी इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एक्स ठीक है अगर उसकी यूनिफॉर्म मोशन में उसकी जो गति है उसकी जो स्पीड है एक्चुअल स्पीड है वो एक्स है तो उसकी एवरेज स्पीड भी एक्स ही रहने वाली है उसके बाद है आपका मोसिन राम ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत जगह पूछा भी गया है और पिछले साल भी पूछा गया था मोहसिन राम मेघालय किस चीज के लिए फेमस है तो ये दुनिया का सबसे गीला स्थान है सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड इसके नाम पे है ठीक है उसके बाद आ... उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मृदंग जिन्होंने की 1970-75 तक वेस्टलैंड विश्वविद्यालय में संगीत में निवास में कलाकार के रूप में और फिर 1988-2000 से दक्षिण भारत ढोल बजाने की शिक्षा दी थी तो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत से बच्चों के सर के ऊपर से चला गया होगा ठीक है ये बच्चे आप कह सकते हैं कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं चीज़ों को ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट है इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रामनाद वी राघवन ठीक है ऑप्शन नंबर बी रामनाद वी राघवन इसका सही आंसर है उसके बाद है 2016-17 के लिए पूछ लिया गया है कि किस क्षेत्र के लिए व्यापार की दिशा भारत के भारत के आयात के मामले में करोड़ रुपयों में अधिकतम थी ठीक है भारत की की मतलब ट्रेडिंग पूछा गया है कि भारत ने 2016-17 के टाइम पीरियड में इनमें से कौन सी जगह इनमें से कौन सी जगह के लिए सबसे ज्यादा आयात किया है ठीक है तो ये इसका आंसर सही है बच्चे ये आपका ऑप्शन नंबर ए है एशिया और आसियन आसियन कंट्रीज के साथ में और चाहे वो आपका एशिया भी से कह सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ और आसियान जो आपके ग्रुप ऑफ आप कंट्रीज हैं इनके साथ में भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड देखा गया था 2016 और 17 में ठीक है उसके बाद है आपका अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में अगर कोई हिमालय की तलहटी से ऊंचे-ऊंचे स्थानों पर चढ़ना चाहे तो दिखाई देने वाले वनों का सही क्रम कौन सा होगा मतलब हिमालय हिमालय अगर है बच्चे हिमालय रेंज पर अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो पहले कौन से बनाएंगे फिर कौन से बनाएंगे आखिरी में कौन से वन आएंगे इस तरीके से अगर पूछा पूछा गया है आपको ठीक है तो इसमें बच्चे इसमें ऑप्शन जो दिए थे ये बहुत ही अच्छे दिए थे मतलब कि अगर किसी को पता हो कि जो टुंड्रा वनस्पति है जो आपकी टुंड्रा वनस्पति है वो कहाँ पर बहती है कहाँ पर होती है बहती है बताओ वन सेकेंड थीके? तो अगर ये उचे -उचे मतलब कि पर, जहां पे आपकी बर्फ होती है स्नो जहां पर ज्यादा होती है वहां की वनस्पति को हम कहते हैं टुंड्रा ठीक है तो ऊपर जाने के समय में मतलब कि अंतिम में इससे आना चाहिए मतलब कि फाइव इसका होना चाहिए क्योंकि पांच प्रकार के वन दिए हुए हैं इसमें ठीक है तो लास्ट स्थान पर इसे आना चाहिए मतलब कि फाइव होना चाहिए इसमें है ना तो यहां से हम देखेंगे कि पांचवे नंबर पे तो यहां पे देखिए पांचवे में अगर आप लास्ट में देखें तो पांचवे में आपके दो ऑप्शन बन रहे हैं एक है आपका बी और एक है आपका सी है ना तो मतलब ये और ये तो आपका पहले ही गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए और डी ठीक है उसके बाद है आपका अब देखिए इसमें थोड़ा सा बचे आपका वन सेकेंड आ, ये आपका ऑप्शन नंबर टू है तो यहाँ पे आपका जो बी और सी है बच्चे ये तो आपके पहले ही गलत हो गए हाँ ये ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर डी ये ये आपका सही बनता है ठीक है अब यहाँ पे आपको सिर्फ दो वनस्पतियों के बारे में पता होना चाहिए था एक तो टुंड्रा वनस्पति है आपकी और एक है आपके पर्णपाती वन जिन्हें हम हाँ पतझड़ वन भी कहते हैं ठीक है पतझड़ वन बच्चे हिमालय में जाते वक्त आपके सबसे पहले जो वन आते हैं उन्हें आपका डिसीडियस फॉरेस्ट कहा जाता है यानी कि पर्णपाती वन यानी कि पतझड़ वन कहा जाता है ठीक है तो ये अगर आपका है ये उप, ये पहले नंबर वाले पर्णपाती वन ये आपके सबसे नीचे पाए जाएंगे मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा ठीक है सबसे नीचे पर्णपाती वन उसके बाद आपके आदर्शीतोष प्रकार के वन आते हैं उसके बाद आपका चीड़ के जंगल आते हैं उसके बाद आपका शीतोष्ण घास के मैदान आते हैं और अंत में आपके आते हैं टुंडरा वनस्पति ठीक है तो सिर्फ अगर टुंडरा वनस्पति और पर्णपाती वन भी अगर आपको पता होता तो ऑप्शन आपके इतने खुले हुए दिए हुए हैं कि आप इसे कर पाते ठीक है और सिर्फ एक ही यही टॉपिक था जो आपका छूट गया था उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम अब ये स्कीम पूछी गई है कि भारत निर्माण प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था तो इसका सही आंसर है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी 2005 में 2005 की ये स्कीम थी आपको पूछा गया था ठीक है तो दो में जो है दो की स्कीम है तो ये आपको पूछी गई है अब चूंकि इंपॉर्टेंट स्कीम है बच्चे इसलिए आपको पूछी गई थी स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है भारत निर्माण प्रोग्राम ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2005 उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अब ये जब हमने वाइसराइज के बारे में पढ़ा था तो इसमें ये पूछ ये बच्चे ज़्यादा

ठीक है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कार्ल कार्ल एंडरसन कार्ल एंडरसन द्वारा आपकी की खोज की गई थी इसके आगे जो दिया गया है कि नाइनटीन में इन्हें जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था ठीक है आधे बच्चे तो यहां से आधे क्वेश्चन पढ़ा होगा उसी में बेहोश उस हो गए होंगे ठीक है लेकिन बच्चे क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी उसके बाद है अब यहाँ पे देखिए यह वाला जो क्वेश्चन है भले ही आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा ये बहुत हाँ, जो क्वेश्चन है लेंदी सा क्वेश्चन है कि अनाउंसमेंट हुई थी 2021 में मई 2021 में पीएम केयर्स की जो स्कीम है बच्चे इसकी अनाउंसमेंट हुई थी अब इसमें पूछा गया है कि इस जिन बच्चों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा वो आपके कौन से टाइम पीरियड से शुरू होने वाला है है ना ये पूछा गया है ना कि कौन सी अवधि के दौरान किस अवधि के दौरान जो है इन बच्चों के जिनके माता पिता या फिर जिनके अभिभावक की मृत्यु हो गई है तो उन्हें हेल्प करने के लिए स्कीम लाया गया था पीएम केयर्स योजना ठीक है तो 2021 में तो ये घोषणा हुई थी स्कीम की लेकिन इसमें पूछा गया है कि किस अवधि के दौरान मतलब कब से शुरू माना जाएगा इन, आ, किस अवधि में जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है वो इस इस योजना का फायदा उठा सकते हैं तो इसमें बच्चे देखिए इसमें सिंपल सा कॉमन सेंस था आपका कि जब से आपका लॉकडाउन हुआ होगा जब से कोविड की चपेट में इंडिया आया होगा तब से ही शुरू करेंगे ना उसके बाद देखिए दो में था नहीं इतना दो में आपका लॉकडाउन लगा था तो इसमें डेट डेट सारी सेम पूछी हुई है लेकिन ईयर में थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा सकते थे कि जब से कोरोना शुरू हुआ है जब से लॉकडाउन इंडिया में शुरू हुआ है तो ये बच्चे आपका सही ऑप्शन बन रहा था ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी लेकिन वहाँ पे मुझे पता है कि आपके एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि इतना कॉमन सेंस लगाने की स्थिति में तो आप लोग नहीं रहे होंगे और वो भी जब ऊपर आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे तो ये बहुत जो है ये भी आपका अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो ये आपका कॉमन सेंस हो जाता और अगर किसी को पता है कि जो लॉकडाउन है वो कब से लगा है कोविड का अटैक इंडिया में कब से हुआ है तो तभी भी ये क्वेश्चन आपका हो सकता था बच्चे ठीक है भले ही लेंदी है थोड़ा सा पढ़ के समझ के ये होता लेकिन आंसर इसी में दिया हुआ है ठीक है उसके बाद है हाउ मेनी आर्टिकल्स अब ये भी अगेन आपका जो है रियर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मूल संविधान में आपके भारत का जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद थे तो इसमें बच्चे आपका सिंपल सा आंसर है कितना है 395 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 395 अब देखिए इस ये क्वेश्चन आपका सिर्फ एक ये टॉपिक छूट गया था आपका YouTube पे फॉरेस्ट वाला और यहीं से आपके दो क्वेश्चन आ गए हैं एक तो वो सिंपल सा फॉरेस्ट वाला हिमालय में ऊपर से नीचे जाएंगे और ये किए वाला बच्चे ये, ये भी आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है ठीक है लेकिन पढ़ा ही नहीं टॉपिक तो कहाँ से करेंगे ये है आपका निम्नलिखित में से कौन से वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशु में पाए जाते हैं जिन्हें टेगा भी ही कहा जाता है इनमें से कौन से टाइप का वन है कौन से टाइप के फॉरेस्ट है जिन्हें टेगा भी कहा जाता है ये पूछा गया था ठीक है तो टेगा बच्चे इनमें से कहा जाता है शंकुधारी वनों को ठीक है शंकुधारी वनों को अब इसमें से भी थोड़ा सा आपका एक दो तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे लेकिन बाकियों में लेकिन उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी जो है वो किस तरीके से है जैसे कि भूमध्यवन है मेडिटेरियन फॉरेस्ट है अब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध पूछा हुआ है नॉर्थन पूछा हुआ है तो उसमें बच्चे आप भूमध्य वन को थोड़ा सा क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि भूमध्य जो वन होते हैं मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट होते हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास वाले वनों को कहा जाता है ना नॉर्थर्न आपका वो जगह होता है जहां पे की आ, बर्फ ज्यादा समय रहती है ठीक है मतलब कि आपके जो गोलार्ध होते हैं जो दो गोलार्ध होते हैं ठीक है उनमें से उत्तरी गोलार्ध का पूछा गया है तो भूमध्य वन तो नहीं होना था इसका आंसर ठीक है उसके बाद है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो ट्रॉपिकल बच्चे जो आपके एरिया होते हैं वो भूमध्य के आसपास वाला एरिया को कहा जाता है ठीक है भूमध्य के जो आसपास वाले एरिया होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल कहा जाता है तो ये भी नहीं होना था आंसर उसके बाद है समशीतोष्ण पर्णपाती वन इसमें थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज हो सकते थे ठीक है तो वही है कि जब पढ़ाई नहीं है तो कहाँ से करेंगे इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी शंकुधारी वन ठीक है उसके बाद है आपका अब ये क्वेश्चन आपका करंट का है बच्चे ठीक है करंट का है जनवरी का क्वेश्चन है लेकिन जनवरी पढ़ा किसने फिर से वही बात जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना सारे के सारे आपके जनवरी या तो आपका 20 21 लास्ट पूछा गया है दिसंबर नवंबर पूछा गया है ठीक है और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन गया है बच्चे अप्रैल तक गया है ठीक है करंट में जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा गया है वो है अप्रैल का क्वेश्चन ठीक है और जो स्माइल स्कीम भी है वो भी पीछे से ही आया है नया कोई नहीं था जैसे कि अभी कुछ लोग जब पेपर देके आए थे तो बता रहे थे कि नए भी आए हैं पिछले छः महीने के जो स्माइल स्कीम है बच्चे वो भी पूछी गई है वो हमने भले ही बाद में पढ़ा हो लेकिन स्कीम वो पहले की ही है ठीक है वो भी आपका पुराना ही करंट है सारा आपको दिसंबर से लेके अप्रैल तक का करंट पूछा हुआ था और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट था वो आपके अप्रैल से लेके और जनवरी तक का पीछे का करंट था ठीक है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर ये आपको पूछा था कि 2019 में कौन सी प्लेयर है इनमें से जिन्होंने की रिकॉर्ड बनाया है तो इसका सही आंसर है आपका तस्नीम मीरो ऑप्शन नंबर डी तस्नीम मीरो तस्नीम मीरो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तस्नीम ठीक है इसका है ऑप्शन नंबर डी उसके बाद है वह विकल्प चुने जिसमें कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधि शामिल हो अब ये देखिए ये भी आप लोग कर सकते थे क्योंकि हमने अगर आ, ये यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ा है लेकिन डीआरडीयू की क्लासेस जिन्होंने ली है ये मैंने आपको बताया था कि सेवा क्षेत्र कौन सा है सेकेंडरी कौन सा है प्राइमरी कौन सा है सेकेंडरी में कौन कौन से फील्ड आते हैं आपके तो ये आपका इसी से ही कहेंगे इसे इजी सा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग ठीक है इसका सही आंसर क्या है बच्चे ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग बैंकिंग जो है आपका वो सेवा क्षेत्र में आता है कृषि तो आपका सिंपल सी बात ये नहीं आएगा ये आपका जो एग्रीकल्चर है ये आपका प्राइमरी सेक्टर का है ठीक है चीनी बनाना ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर का है और सोने का खनन ये आपका प्राइमरी सेक्टर का है चीनी बनाना आपका सेकेंडरी सेक्टर का है ठीक है बैंकिंग जो है आपका सेवा की बात हो रही है सर्विसेज की बात हो रही है तो इसमें जो सही आंसर था वो था आपका बी बैंकिंग ठीक है उसके बाद पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना डायरेक्ट पूछे गए हैं एक भी क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है ठीक है और पॉलिटी के सारे क्वेश्चन बच्चे हमने पढ़े हुए हैं इसमें आप नहीं कह सकते हैं पॉलिटी में जितने क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे पढ़े हुए आए हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों के सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है ठीक है तो इसे तो गलत करके अगर कोई आया है तो क्या करे फिर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल सिक्सटीन ठीक है आर्टिकल सिक्सटीन है इसका आंसर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अब ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है आपका ये बच्चे आपका, आपका आर के फंक्शन को ही थोड़ा सा घुमा करके आपको पूछा गया है कि इनमें से बताइए कि क्रेडिट नियंत्रण मतलब कि साख नियंत्रण आपको मैंने बताया था ना आर के जो फंक्शन होते हैं आर बी का काम यही होता है कि जो मनी फ्लो है मार्केट में जो साख है जो क्रेडिट है जो उसका कंट्रोल करना ठीक है तो उसका कंट्रोल जो है आरबीआई जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो बैंक दर में कभी कभी चेंजेस कर देता है खुले बाजार का संचालन ओपन मार्केट पॉलिसीज और ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको क्या बताया था कि एल लाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से जी लाई जाती है ठीक है बैंकों के नगद आरक्षण अब ये जो सी आर हो चाहे वो आपका बैंक रेट हो चाहे वो आपका एल हो बचे ये तीनों के तीनों टूल्स हैं किसके आरबीआई के डायरेक्ट साख को नियंत्रण करने का पैसे को नियंत्रण अगर करना है चाहे वो ज्यादा को कम करना है या कम को ज्यादा करना है मार्केट में वो इन तीन टूल का यूज करता है आरबीआई, है ना? लेकिन इनमें से कौन सा है जो कि गुणात्मक विधि है मतलब डायरेक्ट आपका अप्लाई नहीं होता है मार्केट पर तो इसमें से बचे आपका सिंपल सा आंसर था ऑप्शन नंबर ए मार्जिन आवश्यकता ठीक है ये एक टूल है जो कि आपका डायरेक्ट एम्प्लाई नहीं होता है अप्लाई नहीं होता है मार्केट पे आरबीआई के द्वारा ठीक है तीन तो देखिए आपको जाने पहचाने से लग ही रहे होंगे क्योंकि तीनों हमने पढ़े हुए हैं ठीक है ठीके? तीनों ऑपरेशन का यूज करता है आरबीआई अगर पैसे को कंट्रोल करना हो तो ठीक है तो इसमें आपका कौन सा हो जाता ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें बच्चे आपका सही आंसर है मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑप्शन नंबर ए मार्जिन रिक्वायरमेंट मार्जिन आवश्यकता उसके बाद है आपका संसद के 2021 अगेन ये आपका पुराना क्वेश्चन है तो संसद के 2021 के शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए तेरह विधेयकों में से कुल कितने विधेयक पारित किए गए हैं कुल कितने पारित अब ये भी बच्चे आपका करंट का है लेकिन 2021 का पूछ लिया है ठीक है इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका ग्यारह टोटल तेरह में से सिर्फ ग्यारह ही आपके विधेयक है जो की पारित हुए थे जो कि पास हुए थे भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता है भारत ने किस देश को हरा करके अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता है ये स्ट्रेटिक का है ठीक है ये करेंट का कर नहीं है बच्चे इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज को हरा करके पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप मतलब इंडिया ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद है इसरो का मुख्यालय अब इसरो का मुख्यालय इसे हम इजी क्वेश्चन कहेंगे वैसे तो क्रिकेट वाला भी आपका इजी क्वेश्चन है ठीक है और यह है आपका इसरो का मुख्यालय इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है वेरी इजी ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु बेंगलुरु में है उसके बाद 2022 जनवरी आप देखिए करंट का क्वेश्चन है लेकिन चेंज नहीं हुए थे ठीक है तो इसीलिए जो है ये आपने सही कर दिया होगा सभी ने है ना इसमें कौन था डॉक्टर इस इसका जनवरी 2022 ही मतलब करेंट आपका दो जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है ठीक है उसके बाद निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्रस्ट को ले जाने वाली प्लेट और समुद्री क्रस्ट को ले जाने वाली प्लेट के बीच में सबडक्शन द्वारा बनता है अगर हमने जब बच्चे जो क्लासेस पढ़ी थी जिसमें हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था ना अगर थोड़ा सा इसमें आप कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कोई तो हो सकता था ये क्वेश्चन करें लेकिन वही बात है कि एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि जो आता है वो भी नहीं किया जाता है वहाँ पे ठीक है तो इसमें यही पूछा है कि ओशियनिक क्रस्ट या मतलब दो प्लेटें हैं एक ओशियन वाली है एक आपकी कॉन्टिनेंट वाली है तो अगर ये दोनों सबडक्ट होती है मतलब एक जो प्लेट होती है वो दूसरे के नीचे चली जाती है तो उसके कारण इनमें से कौन सी आकृति कौन सी चीज बनती है ठीक है सब सबडक्शन द्वारा तो ये है आपकी महासागर खाई ठीक है ओशियन ने, ट्रेंच इन्हें कहा जाता है गर्त जिसे कहते हैं हम ओशियन ट्रेंच ठीक है खाई भी कह सकते हैं गर्त भी इन्हें कहते हैं तो ये तभी बनता है जब आपकी जो प्लेटें होती हैं बच्चे वो एक दूसरे के उनमें से जो आपकी हल्की वाली होती है वो दूसरे के नीचे चली जाती है जिसके कारण आपके महासागर में क्या होती है गर्त यानी कि खाई बन जाती है ठीक है उसके बाद है कोशिका आप कोशिका से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कोशिका से रिलेटेड ये आपका ये वायु का क्वेश्चन है ठीक कोशिका है कोशिकाएं गोलाकार नहीं हो सकती है कौन सा एक सही है इनमें से पूछा था कि कथनों में से कौन सा एक सही है तो सही तो बच्चे इनमें से जो है ऑप्शन नंबर बी है जो बी है आपका डब्ल्यू बी सी एकल कोशिका का उदाहरण है अब इनमें से जो आपका सिंपल सा था वो यही था कि मुर्गी का अंडा सभी लोग खाते हैं चूकी तो मुर्गी का अंडा कोशिकाओं का एक समूह है ये आपका जो खाता है उसे पता है है कि वो एक सेल होती सिर्फ एक सेल होती है जो हम अंडा खाते हैं उसमें सिर्फ एक सेल होती है खुद में ही वो एक सेल है ठीक है तो ये आपका यूनिसेडुलर हो गया कोशिकाएं गोलाकार नहीं हो सकती हैं बिल्कुल हो सकती हैं ये भी आपका गलत हो गया ठीक है अमीवा में सूर्य कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है इसमें आप लोग थोड़ा सा उलझ जाते क्योंकि सूडियोपोडिया बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है ठीक है सूडियोपोडिया बच्चे अमीबा में जो ऐसा अंग होता है ना अगर उसको कुछ खाना है ठीक है तो क्या करता है अपने एक अंग को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल करके अपने जो प्रिय होता है अपने शिकार होता है उसे अपने आप में समा लेता है तो इसे कहते हैं हम सूडियोपोडिया तो ये आपका जो है कोशिकाओं के निर्माण में मदद नहीं करता है ये यहाँ से गलत हो जाता तो इसके लिए भी वही है कि ये तीस चौथा वाला अगर आपको पता होता तो ये आप कर सकते थे इसे भी उसके बाद है रासलीला रासलीला ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट है बच्चे रासलीला क्योंकि इतना पूछा भी गया है 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 कि कि रासलीला रासलीला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड से है? ये तो सभी को पता होना चाहिए लेकिन रासलीला किसने स्टार्ट किया है ये पूछा है तो ये है आपका जो है टफ क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी बच्चे इसका सही आंसर है भाग्य ठीक है किसने शुरू किया है भाग्य ने शुरू किया है पुलीला गोपीचंद वन द ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट अब ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इसलिए पूछा गया है कि पुलीला गोपीचंद बच्चे जो सानिया जो नेहवाल है साइना नेहवाल उनके ये है साइना नेहवाल भी और जो आपके पीवी सिंधु है उनके गुरु भी हैं ये पुलीला गोपीचंद ठीक है और प्रकाश पौदूकोन के बाद ये दूसरे ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने कि ये ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट जीता था इसीलिए बच्चे इनके बारे में आपको पूछ लिया गया है तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है रैंडम कहीं से उठाया गया है ठीक है किसी पुराने पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है ये तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए टू थाउजेंड में इन्होंने जीता था दूसरे प्लेयर बने थे ये ये ओपन टूर्नामेंट जीतने वाले उसके बाद है ओडिसी नृत्य अब ओडिसी नृत्य शैली का जितने डांसर पूछा गया है 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 ठीक किस खे, खे, आ, किस नृत्य से संबंधित तो फिर भी आपका मॉडरेट क्वेश्चन होता है लेकिन शेरोन लोविन किस देश से संबंधित है ये पूछ लिया गया है ठीक है तो ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो शेरोन लोइन बच्चे आपका रिलेटेड है यूएसए से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है यूएसए संयुक्त तो राज्य अमेरिका उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हाँ ये स्कीम पूछी गई है ये हमने पढ़ा था कि ई नाम इनमें से कौन सी वाली जो स्कीम है बच्चे वो रिलेटेड है किससे कि फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फील्ड में कृषि उत्पादों के ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने के लिए जितने भी आपके एग्रीकल्चर प्रो, प्रोडक्ट होते हैं उन्हें ऑनलाइन बिकने के लिए बिकाने के लिए ठीक है उनके जो आ, खरीद प्रोक्त है उसको बढ़ाने के लिए प्रमोट करने के लिए कौन सा एक कार्यक्रम चलाया गया था तो ये था आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम ऑप्शन नंबर डी ई नाम उसके बाद यह है रास प्रमुख रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है ये ये जो था आपका ये बच्चे आपका जो है इजी क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी यूपी इसका आंसर है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है आपका रास लीला उसके बाद है अब देखिए इनमें से कौन सी एक नदी है जो कि दो राज्य तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में सीमा बनाती है ठीक है अब इसका जो आंसर है बच्चे वो तो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्राणहिता प्राणहिता लेकिन ये पूछा क्यों गया है ये आपका स्ट्रेटिक का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है बच्चे प्राणहिता महोत्सव नदी महोत्सव मनाया गया था आपका अप्रैल में 2022 2022 में ठीक है जिसके कारण ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और स्ट्रेटिक बना करके उन्होंने दिया है आपको स्टैटिक बना करके ये क्वेश्चन दे दिया है ठीक है तो ये अगेन आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है 2022 अप्रैल का ये रिलेटेड ये क्वेश्चन है ठीक है अगला है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन अब ये आई के पूछा गया है इनमें से किसी भी एक जानवर का अगर आपको ये पता होता आई में कौन सी लिस्ट है कौन सा टैग दिया गया है तो फिर ये हो जाता हिमालयी भूरे भालू जंगली एशियाई भैंस और रेगिस्तानी लोमड़ी और हॉर्नबिल को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है ये पूछा गया है तो इसमें बच्चे आपका जो आंसर है वो आता है रेयर स्पीसीज ऑप्शन नंबर ए रेयर स्पीसीज ऑप्शन नंबर ए रेयर स्पीसीज में आती है ये जो आपकी चारों की चारों प्रजातियां दी हुई हैं रेगिस्तानी लोमड़ी हो गया हॉर्नबिल हो गया एशियाई भैंस हो गया या फिर हिमालयी भूरे भालू हो गए चारों के चारों जो प्रजातियां हैं ये आती है आपकी, रियर हैं आपकी रेयर स्पीसीज यानी कि दुर्लभ प्रजाति में उसके बाद है इनमें से किसके द्वारा ग्यारहवा नेशनल बिलियर्स टाइटल जीता गया दिसंबर दो में वही आपका दिसंबर दो का क्वेश्चन है ठीक है लेकिन अगर आप चुक्का तो मारने पे जाते इसमें तो सभी ने मारा होगा पंकज आडवाणी है ना जो कि आपका सही है ऑप्शन नंबर बी पंकज आडवाणी किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को डैस के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है यह आपका इजी क्वेश्चन हो गया कौन होता है बच्चे जो कि गवर्नर जो गवर्नर होता है वो मैंने कई बार आपको बताया कि जो गवर्नर होता है राज्य का राज्यपाल होता है वह किसका व्यक्ति होता है वह केंद्र का व्यक्ति होता है और उसका काम होता है राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना ठीक है तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति राष्ट्रपति को विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1919 1919, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसके साथ प्रांतीय बजट प्रांतीय बजट क्या किया गया था तो इसका आंसर है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था 19 19 में 19, 1919 में जो है प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था 34 केंद्रीय हट धर्मिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अब लोगमा ये बच्चे आपका वायु का क्वेश्चन है ठीक है तो ये जो है आपका टफ क्वेश्चन है ठीक है एमआरएनए संश्लेषण को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है तो ये इसमें से सही कथन था बाकी तीन उसके लिए आपको पता होने चाहिए पहले ये सही करने के लिए बाकी तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता अगर तीनों नहीं आते हैं आपको ठीक तो है तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है एमआरएनए एमआरएनए जो है उसके संश्लेषण को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। बाकी आपके क्या है गलत ऑप्शन है उसके बाद है थर्टी फाइव थर्टी फाइव में है निम्नलिखित में कर्ण वंश का संस्थापक कौन था इनमें से बच्चे कर्ण वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है ऑप्शन नंबर डी वासुदेव कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव है 1927 में प्रकाशित क्लासिक पाठ्य पुस्तक एनिमल इकोलॉजी में खाद्य वेब खाद्य श्रृंखला और परिस्थिति की आला की अवधारणा को किसने पेश किया था एनिमल इकोलॉजी एनिमल इकोलॉजी आपको पूछा है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है एनिमल इकोलॉजी तो ये बच्चे किसने लिखी है चार्ल्स एल्टन ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स एल्टन द्वारा लिखी गई पुस्तक है एनिमल इकोलॉजी उसके बाद है नदियाँ और नदियाँ की ट्रिब्यूटरीज पूछी गई हैं सहायक नदियाँ पूछी गई हैं कि कौन सा होगा कौन सी नदी आपकी कौन सी न, आ, कौन सी जो रिवर है वो उसकी सहायक नदी कौन सी है बच्चे तो कावेरी है कृष्णा है गोदावरी है तीन आपके दिए है, हुए हैं दूसरी तरफ ट्रिब्यूटरीज दी हुई है पेन गंगा है आपकी काबिनी है कोयना है तो इनमें से आपका आपको सही ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना था तो इसमें से बचे आपका जो ऑप्शन नंबर ए e है कावेरी इसकी जो सा जो नदी है वो है आपकी कावेरी की है आपकी टू काबिनी कावेरी की है आपकी काबिनी कृष्णा जो आपकी रिवर है बच्चे ऑप्शन नंबर बी इसकी ट्रिब्यूटरी है कोयना और गोदावरी गोदावरी की हो गई आपकी पेनगंगा तो इसमें जो ऑप्शन उप्ष, है आपका ऑप्शन नंबर सी यह सही आंसर था ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर था उसके बाद ये जो नियम पूछे गए हैं अब देखिए ये आपका पिछली बार भी आया है ठीक है चार्ल्स का नो और बॉयल्स का नो यह जब हमने पी सीरीज की थी उसमें बताया था मैंने आपको ठीक है तो ये आपका दोबारा से आ गया है बॉयल्स का जो नियम है ये इसका पूछा गया है कि ये जो है वी टी और के कर्मशा आयतन है तापमान है स्थिरांक है इनके बीच में जो ये संबंध है वी T इज इक्वल्स टू के ये किसका नियम है ये जो आपका वी अपॉन्टीक्वल्स टू के ये किसका नियम है तो ये आपका किसका नियम है बच्चे चार्ल्स का नियम ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स का लॉ आगे है, सिरप? सिरप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है कप सिरप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है इथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है आपका कप सिरप में उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नवंबर ट्वेंटी 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 वन में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गुजरात में आनंद में आनंद में कितने करोड़ का परिव्यय पर डेहरी सहकार योजना की थी अगेन आपकी नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन की ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है आपका ठीक है तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही जवाब है बच्चे वो है आपका पाँच हजार रुपये कितने करोड़ फाइव थाउजेंड करोड़ आधुनिक तकनीकी जैसे वायरलेस नेटवर्क अंतरिक्ष यान संचार चिकित्सा डाए धर्मी, डाए धर्मी और कैंसर उपचार में उपयोग किए जाने वाले रेडियो और आईआर के बीच में ईएम e स्पेक्ट्रम की सीमा में कौन सी तरंगे आती हैं तो इनमें से बच्चे आपका जो सही आंसर है वो है आपका माइक्रोवेव कौन सी वेव्स आती हैं माइक्रोवेव अब आर्टिकल पूछा गया है नागरिकता नागरिकता से संबंधित पॉलिटी तो जैसे मैंने कहा आपको कि बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं पूछा हुआ है सिंपल 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 सा पूछा गया है ठीक है नागरिकता बच्चे कहाँ से है ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद अनुदान्च से ग्यारह अनुच्छेद पांच से ग्यारह उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था भारत में राष्ट्रीय अब ये बच्चे आपका मनरेगा पूछा गया है ठीक है मनरेगा से पहले ही आपका नरेगा था ना तो वही पूछा गया आपको कि नरेगा जो है उसका नाम बदल करके बाद में मनरेगा किया गया था लेकिन नरेगा आपका कब स्थापित किया गया था तो ये हमने जो डीआरडीओ के जो क्लासेस हुई थी पेड कोर्स में, न, उस में ना उसमें मैंने आपको बताया था कि नरेगा जो है ये कब से आपका लागू हुआ था तो ये आपका सही आंसर क्या है बच्चे दो हजार पांच दो आपकी दो स्कीमें दो हजार पांच से पूछी हुई हैं ठीक है एक तो भारत निर्माण है और एक आपका ये नरेगा वाला है उसके बाद है नर्मदा इनमें से कौन सा एक ट्राइंगर प्लेटू है रीजन है ऑफ इंडिया लाइज साउथ नर्मदा कि नर्मदा के नीचे अब देखिए प्लेटू तो मैंने आपको सारे ही बताए हुए थे ठीक है मारवा हो गया मालवा हो गया बांगेलखंड हो गया आपका दक्कन हो गया तो इसमें सिंपल सा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी दक्कन का पठार ठीक है सही आंसर है इसमें भी ज्यादा घुमाया फिराया नहीं है सिंपल सा पूछा हुआ है कि नर्मदा नदी के नीचे तरफ का जो आपका पठार है वो भी यह भी बता दिया है साथ में कि त्रिकोणीय पठारी ठीक है मैप में प्रॉपर आपको दिखाई भी था कि डेल्ट जो डेकन का प्लेटू है वो कहाँ से कहां तक जाता है उसका कैसा शेप है ठीक है तो ट्राइंगल शेप में जो है ये है आपका डेकन प्लेटो उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे गहरा मानव निर्मित छेद है जिसकी गहराई 12.2 किलोमीटर है जिसे पृथ्वी पर सबसे गहरे कृत्रिम बिंदु के रूप में जाना जाता है यह आपका जो है एक टफ क्वेश्चन है ठीक है ये बच्चे इसका सही आंसर है कोला सुपरदीप बोरहोल ऑप्शन नंबर बी कोला सुपरदीप बोरहोल उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी का ऊपरी बेसिन तस्तरी के आकार का है छत्तीसगढ़ में कौन सी रिवर है इनमें से जिसका ऊपरी बेसिन जिसका जो बेसिन है वो तस्तरी के आकार का है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महानदी ऑप्शन नंबर सी महानदी इसमें से आपको अगर सोन पता होता कहाँ से बहती है इंद्रावती पता होता तो फिर आप इसे कर सकते थे महानदी जो है इसका ऊपरी बेसिन तस्तरी के आकार का है उसके है निम्नलिखित में से किसने द बर्ड ऑफ टाइम द बर्ड ऑफ टाइम बुक पूछी हुई है द बर्ड ऑफ टाइम ये किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी है आपकी ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू ने ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू ने फोर्टी एट विच ऑफ द फॉलोविंग स्टेटमेंट इज टू विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से कौन सा कथन है जो कि एनर्जी के बारे में सही है तो ये तो लगभग कर ही दिया होगा सभी बच्चों ने ये कौन सा है बच्चे इट इज दबिलिटी टू डू वर्क ये जो है आपकी काम करने की संग्रहित क्षमता है एनर्जी मतलब क्या होता है काम करने की क्षमता ठीक है वो भी कौन से वाली क्षमता स्टोर्ड संग्रहित क्षमता 49 में है आपका कि एक लेखा वर्ष के अवधि के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य मूल्य ह्रास सहित किस रूप में जाना जाता है ये क्वेश्चन देखिए आपका किस रूप में जाना जाता है तो इसका बच्चे सही आंसर क्या है जीडीपी ये तो सभी को पता है कि जीडीपी है लेकिन जीडीपी कौन सा वाला जीडीपी कारक लागत जीडीपी डी आपका एक तो दिया है बाजार मूल्य पर एक दिया है आपका कारक लागत पर ठीक है तो डेप्रिशिएशन के साथ में लिखा हुआ है बाजार मूल्य के साथ में लिखा हुआ है तो इसमें तो आपका जो है क्वेश्चन में ही बच्चे आंसर दे दिया है ठीक है जीडीपी तो देखिए आपको पता ही हो बताया था ना कि एक अवधि के दौरान जितने भी आपके सर्विसेज बनते हैं जितने भी गुड्स बनते हैं उसे हम जीडीपी कहते हैं ठीक है ठीके? लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको क्या पहचानना था कि कारक लागत पर कहते हैं या फिर बाजार मूल्यों पर कहते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सेवाओं का बाजार मूल्य ठीक है तो ये बच्चे आपका है ऑप्शन नंबर डी बाजार मूल्य पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो थोड़ा सा इसके लिए वही चाहिए था कि थोड़ा सा आप कॉन्सियस वे में क्वेश्चन पढ़ते फिर समझने की कोशिश करते और फिर उसे जो है टिक करते लेकिन इतना समय नहीं हुआ होगा मुझे पता है आपके पास में और ना ही इतना कॉन्सियस था इतना ऊपर के जो क्वेश्चन थे उसके बाद में दिमाग जो है वो आपका काम करना बंद कर गया होगा उसके बाद है अंतिम क्वेश्चन कौन सा जर्मन रसायनज्ञ और भौतिकी विज्ञान भौतिक विज्ञानी भविष्यवाणी करता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब ये आपको सिंपल सा लॉ पूछा गया है ठीक है केमिस्ट्री का नियम पूछा है कि किसने यह भविष्यवाणी की है मतलब किसने बताया है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है और रिंग की जो सिस्टम होती है भौतिक संरचना का जो संयोजन होता है यह निर्धारित करता है कि कोई अणु आपका सुगंधित है एंटी एरोमेटिक है या फिर गैर सुगंधित है ठीक है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में पूछा गया है बताया गया है इनका जो नियम है तो ये पूछा गया है कि ये नियम किसने दिया है तो ये नियम बच, बच्चे आपका किसका है ऑप्शन नंबर डी एरिच हकेल ऑप्शन नंबर डी एरिच हकेल हकेल का लॉ है ये ठीक है जो कि अणुओं के एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और आपका नॉन एरोमेटिक होने और ना होने की गुणों को दर्शाता है ठीक है तो ये हकेल का लॉ है तो बच्चे क्वेश्चन अगर बात करें तो सोलह वाला अभी मैंने अभी जस्ट फोर्टीन वाला भी देखा है तो फोर्टीन वाला से तो ये वाला अच्छा है ठीक है फोर्टीन वाले में तो बच्चे दु, जो ड्यूएबल क्वेश्चन है वो नहीं है आपके उसमें आप लोग तुक्का भी नहीं मार सकते हैं। है ना लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा है वहाँ पे दिमाग चल रहा है आप लोगों का तो इस तरीके की क्वेश्चन आप कर सकते थे जैसे कि जीडीपी वाला क्वेश्चन है जैसे कि आपको डीसीडियस फॉरेस्ट वाला जो क्वेश्चन है उस तरीके के क्वेश्चन थे वो आप लोग कर सकते थे अब अगर आपने ये डेक एन प्लेटू वाला बताइए ये वाला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा कि आपको घुमा दें ठीक है थोड़ा सा आप वहाँ पर इसको देख के डर जाए लेकिन क्वेश्चन बच्चे आपका ईजी है ठीक है तो जो इजी है उसे मैं इजी ही कहूंगी ठीक है ऐसा कुछ नहीं है मुझे पता है आप लोग कहेंगे अभी कि नहीं पेपर बहुत टफ है लेकिन बच्चे जो क्वेश्चन इजी हैं, वो इजी हैं और करेंट अफेयर्स सबसे बड़ी जो है कि करंट अफेयर्स में आपका पिछले छह महीने का भले ही आपको लग, जैसे कि इसरो का चेयरमैन आपने मुझे बताया वाले में ये जो स्कीम हो गई, इस इस स्कीम तो ये हो गई ये बड़े, भले ही बच्चे हमने पढ़ा हो लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आए हैं सबके सब आपके जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2022 अप्रैल 2022 का एक क्वेश्चन नहीं है आपका ठीक है पेपर में अप्रैल 2022 के बाद के एक भी क्वेश्चन नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन वो आपके पहले के ही हैं ठीक है करंट अफेयर्स ने जो है वो क्या 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 कहें करंट अफेयर्स हो सकता है कि इन्होंने जो है एस <SSE> ने जो नोटिफिकेशन निकालते के साथ में ही पेपर सेट कर दिया तो उसके बाद क्या आने के क्वेश्चन की गुंजाइश तो वैसे भी समाप्त हो जाती है ठीक है तो वो इसीलिए हुआ होगा कि पेपर इनका पहले ही बन गया है इसीलिए उनका जो करंट अफेयर्स है वो सारा का सारा पिछले छः महीनों का ही है लेकिन वो छः महीने उनके लिए जनवरी से स्टार्ट हुए हैं ठीक है ठीके? तो उसके बाद का एक भी क्वेश्चन नहीं है तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि करंट अफेयर्स रोज के रोज पढ़ते रहे कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से आ सकता है ठीक है या फिर जो नोटिफिकेशन है कम से कम उससे पहले का एक साल का जो करंट है वो अच्छे से याद हो ऐसा भी नहीं पूछा गया है कि बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है वही पूछे हैं ठीक है ठीके? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन भी बच्चे फोर्टीन वाले में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं फोर्टीन को जो पेपर हुआ है आपका ठीक है सिक्सटीन वाला थोड़ा सा कहेंगे कि है इसमें जो गुंजाइश है कम से कम पच्चीस से तीस नंबर लाने की गुंजाइश है लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका टफ हो जाता है नॉर्मलाइजेशन तो बच्चे सभी कहोगे होगा जो जिस भी एग्जाम में आपका <coughs> अभी से करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे निकल जाएगा हाँ हाँ अभी का भी पढ़िए और पिछले एक साल का भी पढ़िए ठीक है बच्चे वो अभी आएगी एक वीडियो आपको करंट अफेयर्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ये थोड़ा क्वेश्चन आपके डुएबल हो जाए नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये कौन सा क्वेश्चन है ना तो करंट अफेयर्स सितंबर ट्वेंटी वन से ट्वेंटी अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू हाँ करंट अफेयर बच्चे आपके अप्रैल दो हजार बाईस के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं गया है इस बार नहीं डूब चलिए बच्चे इसके बाद आपका एक फोर्टीन वाला जो है नॉन टेक का वो बचा हुआ है ठीक है फोर्टीन वाला जो है और सर जो है टेक्निकल का आपको रिव्यू देंगे ठीक है टेक्निकल का जो है सर सॉल्व uh, करवाएंगे आपके बहुत जल्द वो वीडियो आपके सामने होगी ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बच्चे पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद